हेलो फ्रेंड्स, वी ऑल नो समीर वानखेड़े हु इज़ मुंबई एनसीबी जोनल डायरेक्टर। सो फ्रेंड्स, समीर जी वॉज वंस अगेन लाइव ऑन वरुण कपूर यूट्यूब चैनल एंड ड्यूरिंग द लाइव शो समीर जी हैज सेड अ वेरी बिग स्टेटमेंट अबाउट सुशांत सिंह राजपूत। ही सेज दैट सुशांत सिंह राजपूत इंस्पायर्ड हिम फॉर वर्किंग। लेट अस सी द वीडियो फर्स्ट। बेस्ड ऑन द जो हमारी वीडियो कॉल हुई थी, जिसके अंदर आपने एक स्टेटमेंट बोली थी कि सुशांत बिकेम एन एक्सक्यूज, अ रीजन फॉर अ लॉट ऑफ क्लीन अप, अ लॉट ऑफ स्टफ दैट यू गाइस आर एबल टू डू राइट नाउ। कैन यू एलैबोरेट अ लिटिल बिट ऑन दैट? या इट वाज अ, जैसा कि केस हमने इन्वेस्टिगेट करना चालू किया तो हमें पता चला कि कितना ये इशू अंदर तक समाज में फैला हुआ है। कितने यंगस्टर्स हमारे, कितने मुंबई में, कितने कॉलेजेस में, how prevalent this issue is. So it was a trigger point for us basically. Trigger point, yes. ऐसा नहीं कि NCB पहले भी बड़े बड़े केसेस करती थी, पहले भी बड़े बड़े मॉड्यूल्स बर्स्ट किया है, लेकिन और भी एक इसे कहेंगे एक लिंचिंग पॉइंट कहेंगे या फिर इसे और आप एक इमीडिएट कॉज करेंगे हमारा और अग्रेसिवली टू इन्वेस्टिगेट और टू एलिमिनेट द ड्रग इशू इन द मुंबई। इट स्टार्टेड विद द सुशांत केस, व्हिच आई वुड रियली लाइक टू एम्फसाइज ऑन। तो आप ये मानते हैं, मतलब आपका ये कहना है कि हमारे सुशांत ने कहीं ना कहीं भारत में ये जो गंदगी फैली थी उस गंदगी को साफ करने में बहुत बड़ा योगदान दिया इस केस में। I would, yes, योगदान दिया, हमें योगदान भी दिया है और इनफैक्ट हमें इंस्पायर भी किया कि इसे और विग्रेसली करें, क्योंकि द काइंड ऑफ फीडबैक व्हाट वी आर गेटिंग फ्रॉम द पीपल, जो सिटीजन से हमें इंफॉर्मेशन भी मिल रही थी, जो सिटीजन से फीडबैक भी हमें मिल रही थी, सो उसके चलते उसे क्यों लेके वी स्टार्टेड गोइंग अहेड एंड यू आर सीइंग द रिजल्ट टुडे के हम एक बहुत ही पैमाने पे आई वुड लाइक टू से कि एटलीस्ट 50-60% वी वर सक्सेसफुल इन ट्राइंग टू एलिमिनेट दिस प्रॉब्लम फ्रॉम द सिटी एंड फ्रॉम द स्टेट। सो डेफिनेटली इंस्पायर्ड। अच्छा, एक चीज और, क्योंकि ट्विटर पे लोग बार बार एनसीबी को टैग भी करते हैं, एक सवाल, जब हजारों लाखों करोड़ों लोग एनसीबी को टैग करते हैं एसएसआर केस में, मतलब ये मैं बहुत दिल से सवाल पूछ रही हूँ, दिल से ही आंसर चाहती हूँ, क्या वो सारे टैग और क्या वो सारी चीजें आपके ऑफिस में, जो आपके अस्थाना सर हैं, आप लोग हैं जो इस केस पे काम कर रहे हैं, क्या आप लोगों को भी फील होता है कि नहीं, ये केस सॉल्व होना बहुत जरूरी है, करोड़ों लोग हमारी तरफ देख रहे हैं? नहीं, वेरी ट्रू, जैसा कि प्रीति जी, इट इज डेफिनेटली वन ऑफ द मोस्ट हाई प्रोफाइल केस एंड आप हमारे इस केस की सीरियसनेस इसी देखेंगे कि इन टाइमली वी हैव फाइल्ड द कंप्लेंट इन दैट and the number of arrests what happened, I mean the number of arrests 33, it's very unusual. तो आप यही इससे जान सकते हैं कि हम कितने सीरियस हैं इस केस के बारे में। True. So friends, what do you think about it? Please let me know in the comment box. Till then, stay connected for more updates. Thank you.